खबर कानपुर से है, जहां पर धरने पर बैठे हैं संजीत के परिजन। धरना स्थल पर डीएम और एसपी साउथ पहुंचे। संजीत के परिजनों से उन्होंने बात की और अभी तक आपको बता दें कि संजीत का शव नहीं मिला है और इसी को लेकर परिजन धरना दे रहे हैं। हालांकि धरने देने से पहले परिजन पांडू नदी भी गए थे, जहां आरोपियों ने कहा था कि उन्होंने उसकी हत्या कर उसे पांडू नदी में फेंक दिया था, तो पुलिस ने वहां उन्हें जाने से रोका। अब धरना कर रहे हैं लगातार, अपने बेटे की लाश को यहां पर मांग रहे हैं, शव को मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस अब तक संजीत के शव को बरामद नहीं कर पाई है। प्रशासन मेरा भाई जिंदा ना ला सका, कम से कम उसकी डेड बॉडी तो ला के हमें दे दे। कल रक्षा बंधन है, जैसा भी है जिस हाल में है, मेरा भाई मुझे ला के दे दे। मम्मी गई थी जिस पुल से भाई को फेंका गया था, वहाँ चली गई थी, वहीं जा रही थी। बीच में पुलिस वालों ने पकड़ लिया, जाने नहीं दिया। हाईवे पर उन लोगों ने पकड़ लिया था। अभी कुछ सबूत नहीं मिला है, कुछ भी नहीं दे रही है पुलिस, हमें अब भी गुमराह कर रही है। फतेहपुर के पुल से हमने तुम्हारे बेटे को डाल दिया था, डेड बॉडी डाली गई थी, ये पुलिस बता रही थी कि यहाँ से डाली गई थी। उसी तलाश में अपने बच्चे को ढूंढने जा रही थी कि कल त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, मैं अपने बेटे को गले से लगाऊंगी, तो इन लोगों ने जाने नहीं दिया। मेरा बेटा वहाँ नहीं मिलता तो मैं वहाँ से अपना कूद के अपनी जान दे देती, आपने हत्या कर लेती, क्योंकि मेरा बेटा नहीं तो मैं ही जी के क्या करूँगी। इसलिए इन लोगों ने हमको जाने नहीं दिया। मैं बहुत प्रयास की मगर इन लोगों ने, हम ऑटो में बैठे थे, ऑटो से ही इन लोगों ने हमको उतार दिया। ऑटो वालों को भी नहीं जाने दिया, मैंने तीन ऑटो रोके, तीन ऑटो वालों को पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया आगे।